पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल जनपद में आज विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर डीएम और एसपी ने वृक्षारोपण किया। आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के संबल में भी विश्व पर्यावरण दिवस एवं यूपी के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया। डीएम अवनीश कृष्ण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने जिले के थानों में किया वृक्षारोपण। संबल जिले को मिला है 22 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य। जिलाधिकारी अवनीश कृष्ण सिंह ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज है, हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर्यावरण को हो रही क्षति पर जताई चिंता। साथ ही कहा कि पुलिस, जिला प्रशासन तथा आम जनता से की अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं तो सभी से, अपने जनपद वासियों से आह्वान करूंगा कि आज के देश में, आज के समाज में, आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेटिक चेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और पर्यावरण की रक्षा करना हम लोगों का इस समय सबसे बड़ा दायित्व है, जिससे कि हम लोग एक स्वस्थ वातावरण में रह सकें और आगे की पीढ़ियों के लिए एक अच्छा समाज बना करके दे सके। और इसके लिए सभी को वृक्षारोपण का, हम लोगों का प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अभियान इस साल चलाया जा रहा है। हमारे जनपद को भी 22 लाख पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य मिला हुआ है। लेकिन इस सभी के लिए कि एक सफल वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, इसमें जन सहभागिता, लोगों की सहभागिता और उनकी जागरूकता, संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्य को करने के लिए सभी समाज के हर वर्गों से मैं चाहूँगा कि वो आगे आएँ, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें, पॉलीथीन का और प्लास्टिक का प्रयोग न करें और सभी जो पर्यावरण के संबंध में जो संदेश प्रसारित किए जाते हैं उसका अनुपालन करें। ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद संभल में सभी को प्रोत्साहित करके हमारे पुलिस और प्रशासन विभाग के लोगों को जन सहयोग से सभी जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, सबको मोटिवेट किया जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या अधिक विश्व का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए पुलिस और प्रशासन अपने अपने थाना क्षेत्र में या किसी भी सार्वजनिक परिसर में जाकर के पेड़ लगाएं, जिससे वृक्ष जो है जन सहयोग में सुविधाएँ देने के लिए उपलब्ध रहे। इसी क्रम में आज 5 जून और ईद भी है और हमारे आदरणीय सीएम का बर्थडे भी है, उसी अवसर पे ये सभी जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत सभी को बधाई भी देते हैं और जन सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। धन्यवाद।